मतलब ये जनता में जो है जो पालतू तीतर है जो दूसरे पार्टी में मुस्लिम लीडर पल रहा है वो ये अफवाह उठाता है। कोई जो है दलित कोई राजभर कोई यादव नहीं ये बात करते हैं कि बी टीम है चाहे सी टीम है। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी जुल्म ज्यादती होती है तो ये बी टीम ही वाला आवाज उठाता है। हमको कितनी मोहब्बत देती है और अगर पसंद करती है अगर जनता को हमें लग रहा है कि नहीं मुनव्वर के साथ जो है ज्यादती हुई है उसकी दुकान गिराई गई है तो जनता को अगर इस बात का गुस्सा अगर है तो उस दिन हमारे साथ आएगी। 8 तारीख को सोमवार का दिन होगा और सुबह का 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे और अपने जेब से अपना खा पी कर आवाम से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा अपील करूँगा दरखास्त करूँगा कि अपने खून पसीने का खा कर आप मजलिस में जो है आप लोग समय दीजिए। और गमछा हरा जो है बहुत डिमांड आजकल चल गया है तो हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं गमछा आपको खरीद के दे सकूँ। आप लोग बराए मेहरबानी हरा जो है रिचकारी जो साड़ी का आता है हरा कलर का जो परचम कलर का है उसको गमछा बनाकर जरूर आए। अल्लाह पाक तौफीक दिए तो गमछा खरीद के आए। कुछ ना हो तो माँ बहनों का दुपट्टा हरा हो उसको भी कफन के रूप में बांध के आए। इंशाअल्लाह ताला उस दिन हम लोग मजलिस का ताकत दिखा देंगे। वैसी साहब को कितना मानने वाले हैं मुनव्वर मुर्गा को कितना मानने वाले हैं जिसके दिलों में तकलीफ वाकई है कि हमारे साथ जुल्म हुआ ज्यादती हुआ वो लोग इंशाअल्लाह ताला वो पहुँचेंगे हिसाब उसी दिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो ताकत हमें देंगे। मैं जनता के अदालत में हूँ। नाजरीन आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी आदाब। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां पूरे उरूज पर हैं। सभी सियासी जमातें अपने अपने तौर पे अपने लीडरान के बारे में तस्हीर कर रही हैं। इसी सिमत मैं आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिन्होंने मुनव्वर अली को इस मऊ के चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया है मुनव्वर अली की तस्हीर के लिए स्टेट कंबाइंड सेक्रेटरी आए हुए हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं क्योंकि वो 3 ज़िले के इंचार्ज भी हैं मुनव्वर के लिए कंपेनिंग करने आए हुए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपना तारुफ पेश करें। मैं मोहम्मद सलीम खान जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंचार्ज बलिया मऊ गाजीपुर। सलीम साहब ये जानना चाहते हैं कि आज आपकी मऊ आमद हुई है मऊ आमद किस सिलसिले में हुई है? देखिए जो निकाय चुनाव जो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है और हम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश है कि आप जाइए जो हमारे निकाय के हमारे प्रत्याशी हैं उनको गाइड करिए किस तरह से चुनाव लड़ना है और किन मुद्दों से लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि जनता का समर्थन हमें हासिल हो। मजलिस हमेशा से यह रहा है मजलिस जहाँ पे भी जाती है तो एक ऐसे चेहरे पे अपना दाव खेलती है जिससे उसके वोट में भारी इजाफा होता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मजलिस ने एक ऐसे कैंडिडेट पे अपना दाव खेला है जो 1000 से ऊपर तक उनको वोट नहीं मिला है और अभी आपकी पार्टी में वो शामिल हुए हैं, पहले किस पार्टी में थे? देखिए ऐसा नहीं है, अभी आपके बगल से गुड्डू जमाली साहब बहुजन समाज पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी से आए और हमारी पार्टी आज हिंदुस्तान के कई सूबों में हमारे MLA हैं MP हैं जीते हुए कारपोरेटर हैं और बहुत सारी सीटें जो हैं हम लोग हैदराबाद में भी हम लोग जीते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 वालों पर ही हम लोग दाव खेल रहे हैं। मुनव्वर अली नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मजलिस हमेशा ऐसे चेहरों पे दाव खेलती है जिनके पास वोट बेस होता है, लेकिन आखिर मऊ में ऐसी क्या वजह पड़ी जिनको 1000 के लगभग वोट मिला उन पे दाव खेले? ये किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। मजलिस हमेशा ईमानदार सच्चे और जनता के बीच में संघर्ष करने वालों पे दाव खेलती है। वोटों की तादाद पे कभी मजलिस दाव नहीं खेलती है। जो जनता के लिए संघर्ष करता हो ईमानदार हो जनता के बीच में उसकी अच्छी पकड़ हो। मुनव्वर भाई लंबे समय तक 20 साल से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले बार भी उनको अच्छा वोट मिला था
और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कायदत वाली पार्टी को हमेशा चुनते आ रहे हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों में विश्वास करके उन्होंने उनको फॉलो किया, दिखा कि यही एक शख्स ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब मजलूम दलित पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो मोहब्बत में इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, और ये बहादुर आदमी हैं, मऊ के बहादुर आदमी हैं। भले यहाँ की जनता इनको मुर्गे के नाम से जानती है, लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा था, और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि ये मनोहर अली मुर्गा नहीं है, मुर्गा नहीं, ये शेर है। और मऊ की आवाम में जानती है कि ये शेर हमारा जिस दिन चुनाव जीतेगा ये दहाड़ने का काम करेगा, और जब ये दहाड़ेगा तो मऊ की जितनी भी परेशानियाँ हैं, सड़क नाली बिजली, उनकी समस्याओं का हल होगा। आप कहते हैं कि बैरिस्टर साहब कहते हैं शेर है, मनोवर के बारे में बैरिस्टर साहब जानते हैं, लेकिन जब शेर के ऊपर मुसीबत पड़ी तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। मनोवर की खुद की दुकान तोड़ दी गई, बुलडोज कर दी गई, मनोवर पे मुकदमे हो गए, एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सिर्फ पार्टियां उनसे अपने वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, उनके मुसीबत में नज़र नहीं आती। आखिर ऐसी क्या वजह? देखिए, मनोवर अली साहब का जो मुद्दा है हमको भी बहुत बाद में जानकारी हुआ, अखबारों में भी नहीं आया। जब मनोवर साहब हमारी पार्टी में जब आए तब इन्होंने इस बात का जिक्र किया। आज चुनाव प्रचार में मैं उस जगह पर गया था, जब दिखाया उन्होंने अपने, इनके आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने अपने दिल के दर्द से उस बात कहा कि साहब हमारा यहाँ पे कभी कारोबार हुआ करता था, तो हम लोगों ने आज जाना है। तो जब हम लोगों ने आज जाना है तो बैरिस्टर साहब को कौन बताएगा? उस घटना के बाद आप हमारी पार्टी में शामिल हुए तो बैरिस्टर साहब के पास तो इसका इल्म भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि बैरिस्टर साहब किसी एक आदमी की बात को नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के हर दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, जिस पे भी जाति जुल्म हो रहा है सबके लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो मनोहर भाई के लिए केवल नहीं, और मनोहर भाई के साथ इंशाल्लाह अगर भविष्य में कभी इस तरह की बात होगी तो पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है, सपा बसपा और भाजपा के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, भाजपा की सरकार चल रही है, लोग देख रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने केवल वोट लेने का काम किया और लोगों को छलने का काम किया, वहाँ पे केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि टिकट के नाम पर बहुत बड़े बड़े पैकेज लिए गए। आखिर जब एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए टिकट के नाम पे एक मोटी रकम दे के आएगा तो आखिर वो कहाँ से उसका भरपाई करेगा? कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आप सपा बसपा पे टिकट को लेके पैसे का चार्ज लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। एक मोटी रकम जो है वो लेने के बाद टिकट देते हैं, और उससे ज़्यादा मोटी रकम मिलती है तो टिकट काटते हैं। लेकिन मनोहर भाई जब हमारी पार्टी में जब इन्होंने अपनी सदस्यता ली तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि मनोहर तुम मर्द आदमी हो, तुम शेर हो, तुम गरीबों के लिए हक के लिए लड़ने वाले आदमी हो, जाओ तुम वहाँ तैयारी करो। और लास्ट में इनको उन्होंने मौका दिया, अपना सिंबल देने का काम किया। ये हमारी पार्टी का है। लेकिन जो दूसरे दलों में लोग हैं वो यहाँ से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक जाकर रेट लगाने का काम करते हैं कि मैं इतना पैकेज जमा करूँगा तो मुझे टिकट चाहिए, मैं इतना देने का काम करूँगा तो मुझे सिंबल दीजिए। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है कि जनता में आपने कितना काम किया है, आप जनता के बीच में कितना संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए यही हमारा पैकेज है। और यही वजह है कि पार्टी जो है लोगों को टिकट देकर लगाने का काम। आज कैंपेनिंग करने गए थे आप मजलिस को कितना ज़मीन दे पा रहे हैं? देखो, मनोहर भाई ने जमीन पर जो काम किया है, आज हम लोग इनके साथ चले, आज सुबह से इनके साथ है, जो जनता का प्यार और सम्मान इनको मिला मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, और लगा कि यहाँ पर MIM पार्टी बहुत अच्छा स्टैंड कर रही है। अब रह गई थोड़ी सी अफवाहों की बात, तो आज जनता के बीच में जाकर हम लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया कि आप लोग जो है इस पार्टी को वोट करने का काम करिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अफसरियत है जो मायूस है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ,
तो नाजरीन आप देख रहे थे, ये शमीम खान साहब थे जो कह रहे थे, मजलिस के बारे में बता रहे थे और क्यों टिकट दिया गया मुनव्वर अली को, क्योंकि वो गरीबों मजलूमों और बेकसों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। शेर हैं, शेर के हाथ में पतंग की डोर है, मुनव्वर कितनी मजबूत समझे। आदाब, नमस्कार, मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज मैं फिर से मैदान में हिम्मत से उसी हौसले के साथ खड़ा हूँ और पतंग अब जनता पतंग जो हमने ला दिया वैसी साहब का परचम और जनता के हाथ में डोर है, अब जनता जितना ऊँचा उसको उड़ा ले जाए। क्या आपको नहीं लगता कि अरशद जमाल, आबिद अख्तर और अजय कुमार के दरमियान आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं? कमज़ोर हम लोग कहीं से नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो हमारे नेता वरिष्ठ सुद्दीन वैसी साहब कर रहे हैं और हर जगह मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो NRC का मामला रहा हो, चाहे जो कोई भी जो है मॉब लिंचिंग हो रहा है वहाँ जला के राजस्थान में मार दिया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, तो हर जगह जो है उठा रहे हैं वैसी साहब। तो हम लोगों ने जो है सपा बसपा को बार बार वोट दिया है, कांग्रेस को भी दिया है और भाजपा को भी लोग दे रहे हैं, तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जब हमारे ऊपर मुकदमा ही बनना है, लाठी ही खाना है और गोली ही खाना है, तो हम क्यों नहीं अपने नेता को चुने, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें। अभी आप अपनी अपनी हुकूमत अपनी क्यादत का नारा देने वाले डॉक्टर मोहम्मद अयूब की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और अब मजलिस से हैं, अब हमारी दल बदल रहा है, दिल तो नहीं बदल रहा? दिल नहीं बदला है, दिल हमेशा परचम के पास रहेगा, अपना आलम जहाँ रहेगा हम वही रहेंगे इंशाल्लाह जिंदगी में भी। और जो डॉक्टर अयूब साहब हैं उनसे भी कल जो हमारा गठबंधन हो गया है, कल हम लोग अलायंस हो गया है जिले पैमाने पर, जहाँ से उनके प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हैं, MIM वाले वहाँ जिले पर गठबंधन करके उनको समर्थन किए हैं और पीस पार्टी वाले हमको गठबंधन में समर्थन दिए हैं, आज के पहले भी विधानसभा में भी चुनाव में भी गठबंधन में हम लोग साथ में रहे हैं। इतने इत्तेहाद के साथ, इतने अलायंस के साथ आप चुनाव लड़ते हैं, कदर वोट पाए हैं और आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आदित्यनाथ योगी जो रियासत के वज़ीर आला हैं वो मुनव्वर को शिकस्त देने के लिए आए हैं, कितना हास्यास्पद बात है, कितनी मजाक खैज बात है, इसको आप समझ रहे होंगे, लेकिन जनता के बीच में जा रहा हूँ और घूम रहा हूँ देख रहा हूँ, वैसी साहब अगर हमें टिकट नहीं दिए होते इनके मंत्री आके कुरैशी समाज में, मैं कुरैशी समाज से आता हूँ, वहाँ आके अंदर बैठते हैं और पूरा जो मंत्रालय वहाँ पे 2-2 मंत्री आके वहाँ धरना दिए थे परसों, उनको कहीं ना कहीं भय है कि हम चुनाव हार रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है मऊ का मुसलमान इस बार सपा और बसपा को और ओम प्रकाश राजभर को मजबूत नहीं करेंगे, इस बार वैसी का जो है परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। आपके ऊपर मुसीबत पड़ी, बुलडोजर चला आपकी दुकानों पे और आपके ऊपर मुकदमे हुए, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब ने कभी उस तरफ आपकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, आखिर वजह क्या थी? जब NRC वाले में हम जेल में थे तो पूरा प्रदेश में जो डॉक्टर अय्यूब साहब ने आंदोलन करवाया था उसमें डॉक्टर कफील भी थे, आजम खान भी थे, वो सब लोग जेल में थे, उसमें साथ में हमारा भी आवाज़ उठाया गया था और उन्हीं की देन है ये NSA तक की कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं हुई और रोकी गई, तो हमारे नेता जो है लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में एक मुस्लिम की आदत तो मिलजुल के उबड़ेगी पूरे हिंदुस्तान पर 24 में। अच्छा ये बताएं मुनव्वर अली बताएं कि नगर पालिका के इलेक्शन में अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस लेवल पे पाते हैं आज के टाइम में? आज जिस हिसाब से हमारा दौरा हुआ है और हम लोग जो है पैसा देकर 5-5 सौ रुपया देकर मजदूरी देकर आगे पीछे लोगों को नहीं घुमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अकेले और अपने बच्चों के साथ अपने पार्टी की टीम के साथ और प्रदेश के और हमारे जिला के जो है जितने भी साथी हैं अपना खून पसीना लगा रहे हैं और अपना हलाल रिस्क लगा के हमारे साथ चल रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि आवाम इस बार वैसी साहब के हाथों को मजबूत करेगी और वैसी साहब के सिपाही को नगर पालिका में अध्यक्ष बना के बैठाएगी जिससे जो है लोगों को हक हकूक इंसाफ मिल सके। मजलिस में हमेशा एक रुझान लगते रहे हैं कि मजलिस इनडायरेक्ट BJP के सपोर्ट में अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं, बिहार में भी ये रुझान लगे, तो क्या मऊ में भी समझा जाए कि BJP को फायदा पहुंचाने के लिए मजलिस ने पहली बार टिकट? चलिए ठीक है, वो इनडायरेक्ट वाली आप जो बात कहे हैं मैं आपकी बात सहमत हूँ, ये जनता में जो है जो पालतू तीतर है जो दूसरे पार्टी में मुस्लिम लीडर पल रहा है वो ये अफवाह उठाता है, कोई जो है दलित कोई राजभर कोई यादव नहीं ये बात करते हैं कि बी टीम है चाहे सी टीम है, हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी जो मिजाजती होती है तो ये बी टीम ही वाला आवाज़ उठाता है और लोग ये भी सोचते हैं जनता के अंदर ये भय मतलब ये रहता है कि वैसी साहब के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं बन रहा है।
कहीं ना कहीं ये भाजपा चार गाड़ रहे। तो मैं उन लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ, वैसी साहब सांसद हैं और कानून के जानकार हैं और उन्होंने जो है पढ़ाई उसकी की है और उसके साथ वो पार्टी के लीडर है। वैसी साहब खुद लीडर है, कितने विधायक आते हैं जाते हैं, कितने सांसद आते जाते हैं। मऊ के आवाम से क्या अपील करने चाहते हैं? मऊ के आवाम से एक अपील है, 8 तारीख को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे इमामगंज मोड़ से, जो कि हमारा जो है ताकत हमारी जनता है, हमारे पास बल नहीं है, दल नहीं है। मतलब रोड मार्च करेंगे? रोड मार्च करेंगे बच्चों को लेकर। सीओ साहब पूछे थे कि कई लोग रहेंगे, हमने कह दिया कि हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, पार्टी के 2-4-10 लोग रहेंगे, बाकी आवाम जितना आ जाए, 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 50,000 आ जाए, वो जनता के ऊपर है। जनता हमको कितनी मोहब्बत देती है और अगर पसंद करती है, अगर जनता को हमें लग रहा है कि नहीं मुनव्वर के साथ जो है ज्यादती हुई है, उसकी दुकान गिराई गई है, तो जनता को अगर इस बात का गुस्सा अगर है तो उस दिन हमारे साथ आएगी। 8 तारीख को सोमवार का दिन होगा और सुबह का 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे और अपने जेब से अपना खा पी कर आवाम से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, अपील करूँगा, दरखास्त करूँगा कि अपने खून पसीने का खाकर हम मजलिस में जो है आप लोग समय दीजिए। और गमछा हरा जो है बहुत डिमांड आजकल चल गया है, तो हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं गमछा आपको खरीद के दे सकूँ। आप लोग बराए मेहरबानी हरा जो है रिचकारी जो साड़ी का आता है हरा कलर का, जो परचम कलर का है, उसको गमछा बनाकर जरूर आए। अल्लाह पाक तौफीक दिए तो गमछा खरीद के आए, कुछ ना हो तो माँ बहनों का दुपट्टा हरा हो उसको भी कफन के रूप में बांध के आए। इंशाअल्लाह ताला उस दिन हम लोग मजलिस का ताकत दिखा देंगे। वैसी साहब को कितना मानने वाले हैं, मुनव्वर मुर्गा को कितना मानने वाले हैं, जिसके दिलों में तकलीफ वाकई है कि हमारे साथ जुल्म हुआ ज्यादती हुआ, वो लोग इंशाअल्लाह ताला वो पहुँचेंगे, हिसाब उसी दिन हो जाएगा इंशाअल्लाह, वो ताकत हमें देंगे। मैं जनता की अदालत में हूँ। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे कि मुनव्वर कह रहे हैं कि 8 तारीख को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, 8 ही तारीख को 11 तारीख का फैसला हो जाएगा कि मजलिस यहाँ कामयाब होगी या मजलिस को नाकाम नहीं, जनता यहाँ कामयाब होगी कि नहीं होगी इसके लिए भी हम कह रहे हैं। मजलिस कामयाब होगी या मजलिस नाकाम होगी ये 8 तारीख का दिन फैसला करेगा, क्योंकि 11 तारीख को वोट होना है और वोट पे ये वोट के दिन कितना मजलिस लोगों को वोट में कन्वर्ट कर पाती है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तब तक हम आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।